सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि शहर निवासियों को पता ही है कि राजपुरा में पहली बार भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ चंडीगढ़ व इस्कॉन फेस्टिवल राजपुरा की ओर से 26 मई दिन शनिवार को यहां के बहलपुरी भवन से किया जा रहा है, जो यहां दोपहर 3 बजे से चलकर महावीर मंदिर, ज्ञानथल्ला रोड, श्री बांके बिहारी मंदिर, MLA रोड, लक्कड़ मंडी चौक, टालीवाला चौक से होती हुई गुरुद्वारा श्री सिंह सभा रोड, श्री सत्यनारायण मंदिर रोड, श्री दुर्गा मंदिर रोड से होते हुए दोबारा बालपुरी भवन में संपन्न होगी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान शहर में कई जगह भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा व भगवान को 56 भोग लगाकर भगवान की आरती भी की जाएगी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आज राजपुरा के भावलपुरी भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आयोजकों द्वारा पत्रकारों को विशेष जानकारी दी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आयोजकों व शहर निवासियों ने क्या क्या तैयारियाँ की है। बहुत ही विशेष अवसर है जब शहर में हमारे पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की पारंपरिक एवं प्रमाणिक रथ यात्रा का आयोजन आने वाली 26 तारीख शनिवार को किया जा रहा है। ये रथ यात्रा बहुत ही प्राचीन उत्सव है। इस रथ यात्रा का आयोजन जगन्नाथपुरी में हजारों वर्ष पूर्व से किया जा रहा है और इस रथ यात्रा के जो भाव है उसमें कुरुक्षेत्र का इतिहास, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा, अपनी पटरानियों के साथ द्वारिका से कुरुक्षेत्र धाम, जो राजपुरा से दूर नहीं है, पास में ही है कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्र में तीर्थ के महातीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे स्थान में जब भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए यज्ञ के लिए, दान तपस्या के लिए, स्नान के लिए, तो अन्य अन्य राजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया कुरुक्षेत्र में आने के लिए। मालूम हुआ कि कृष्ण अपने अग्रज बलराम, सुभद्रा, मैया और सभी पटरानी और मैया के साथ, देवकी वसुदेव के साथ कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो कुरुक्षेत्र में आए। जब कुरुक्षेत्र में उन सबका मिलन हुआ तो श्रीमती राधा रानी, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, जब उनका मिलन हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि देखिए, आप भी वही कृष्ण हैं, हम भी वही श्रीमती राधा रानी हैं, वही ग्वाल बाल हैं, लेकिन वो आनंद जो वृंदावन में आपके साथ निकुंज में यमुना जी के तट पे विहार करने में आनंद आता था, वो आनंद यहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको वृंदावन की ओर लेके चलते हैं। तो उन्होंने रथ के जो घोड़े थे उनको खोल दिया और रस्सों को अपने हाथों से वृंदावन की ओर खींचना प्रारंभ किया। तो ये रथ यात्रा का भाव है। मूलतः भगवान को हम अपने हृदय रूपी वृंदावन में आमंत्रित करते हैं, खींचते हैं। तो ऐसे ही ये विशेष रथ यात्रा जो है इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिष्यवाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा पूरे विश्व में प्रदान करते हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है राजपुरा भक्तों का कि इस शहर में पहली बार आने वाली 26 तारीख 26 मई 2018 शनिवार को इस रथ यात्रा का आयोजन अपने शहर में किया जा रहा है और हम आप सबके माध्यम से पूरे राजपुरा के निवासियों से ये निवेदन करते हैं कि इस रथ यात्रा में आए। ये भावलपुर भवन से प्रारंभ होगी। रथ यात्रा से पूर्व भावलपुर भवन में भगवान को 56 भोग एवं महाआरती का कार्यक्रम है। तत्पश्चात 3 बजे भगवान जगन्नाथ जी अपने विशाल रथ पे आरूढ़ होंगे। रथ भी विशेष रूप से चंडीगढ़ से आ रहा है, भगवान कुरुक्षेत्र से आएंगे, उनका यहाँ स्वागत करें और भगवान के रथ को खींचें।
क्योंकि ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथारूढ़ भगवान के दर्शन करता है एवं उनके स्वागत के लिए उठ खड़ा होता है एवं उनके रथ के रस्सों को खींचता है, उसके जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वह उसके जो आध्यात्मिक जीवन है प्रारंभ होता है, वह इस जन्म के अपराध वही अवश्य ही भगवान के धाम जाने का पात्र बनता है। तो ऐसा अवसर सभी भक्तों के लिए, सभी जीवों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना यह नहीं सोचना कि किसी को निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है या किसी एक व्यक्ति का यह उत्सव है एक संस्था का, नहीं। जगन्नाथ जैसा कि नाम है जगत के स्वामी, वो सब पे कृपा करने के लिए स्वयं रथ पे आरूढ़ होकर के हमारे शहर में आ रहे हैं सब जीवों को कृपा करने के लिए। तो सभी उनकी कृपा का पात्र बने, उनके रथ को खींचें, रथ के आगे हरि नाम कीर्तन करें व अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो रथ यात्रा निकाली जाएगी ये भौलपुरी भवन से कितने किस टाइम पे निकलेगी और ये कौन कौन से रूट पे जाएगी, इस रथ यात्रा का कहाँ कहाँ पे स्वागत होगा, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 3 बजे भगवान जगन्नाथ जी जो हैं अपने जो दिव्य रथ पे आरूढ़ हैं उस पे विराजमान होंगे, उनकी विधि पूर्वक जैसे जगन्नाथपुरी में एक पारंपरिक तरीका है भगवान का पूजा करने का, भगवान का जो गणमान्य अतिथि होंगे हमारे भगवान की विधि पूर्वक पूजा करेंगे, वहाँ एक विधि है पारंपरिक जो वहाँ के राजा हैं पुरी के, वो रथ के मार्ग को झाड़ू से साफ करते हैं, एक सेवा है विशेष, वो क्योंकि प्रथम सेवक हैं तो सेवक होने के नाते क्या है भगवान के पूरे मार्ग को वो सफाई करते हुए चलते हैं और ये विशेषता है, आरती करते हैं। तत्पश्चात 3 बजे यहाँ भागवत भवन से रथ यात्रा प्रारंभ होगी, इसके उपरांत यहाँ से महावीर मंदिर और ज्ञानथला और NTC स्कूल जो चौक है वहाँ से होती हुई बांके बिहारी मंदिर और MLA रोड से होती हुई ये टक्कर बाजार जो चौक है वहाँ तक पहुँचेगी। तत्पश्चात ये मेन मार्केट से होती हुई टाली वाला चौक तक पहुँचेगी, फिर गुरु सिंह गुरुद्वारा श्री सिंह सभा तक, वहाँ से सत्यनारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर से फिर श्री दुर्गा जी मंदिर, दुर्गा माता मंदिर। तत्पश्चात रात्रि में 7:30 बजे जो है भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ विश्राम होगा भावपुर भवन में और 7:30 बजे से यहाँ विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी यहाँ पे आयोजन होगा, जिसमें विशेषता हमारे लंदन से हमारे श्रील प्रभुपाद जी के मुख्य जो शिष्य हैं परम पूज्य शिष्यमन भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज और वृंदावन से विशेष रूप से प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और राधा वल्लभ प्रभु हिज ग्रेस श्रीधाम प्रभु व अन्य जो है प्रमुख जो है भक्तगण कुरुक्षेत्रा से वृंदावन से और अन्य आसपास के जो इलाके हैं हमारे लुधियाना से चंडीगढ़ से पंचकुला से अपने खन्ना से गोविंदगढ़ से पटियाला से सब जगह से भक्त लोगों के आने की संभावना है, जो एक बहुत ही दिव्य वातावरण यहाँ पे होगा और हमारे सभी राजपुरा वासियों के लिए एक ऐसा अवसर है जो अलग अलग साधु जो दूर दूर से आ रहे हैं उनके मुखारविंद से भगवान की कथा कीर्तन सुनने का अवसर मिलेगा और इस अवसर पर विशेष एक ओडिसी नृत्य भी रात्रि में यहाँ पे होगा, जो हमारे यहाँ के जो हरे कृष्णा केंद्र से भक्त हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, तो उन भक्तों के द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किए जाएंगे, तो उसमें हम सबको निमंत्रित करते हैं वृंदावन से दिल्ली से जैसे मैंने बताया कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ से बसों में आ रहे हैं भक्त लोग और राजपुरा में हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त जुड़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती तो ऐसा हमारा अनुभव है कि पूरा शहर उस रथ यात्रा में शरीक होता है और जगन्नाथ जी का जो है स्वागत करता है। वहाँ बहुत लंबा रस्सा है जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा अधिक रस को खींचने का अवसर मिलेगा, एक तरफ महिलाएं हैं एक तरफ पुरुष रहते हैं। इस रथ यात्रा में आपको राजपुरा प्रशासन कैसा सहयोग दे रहा है? पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जैसे आपने देखा राजपुरा में जो सड़कों का थोड़ा सा स्थिति गंभीर था वो दुरुस्त कर दिया गया है और रास्ते में भी छिड़काव का और पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो रास्ते की जो व्यवस्था है वो पूरा स्मूथली देखेंगे, तो पूर्ण सहयोग हमें प्रशासन की तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है और इनकी मार्गदर्शन में चाहे आप बात करें खन्ना की, गोविंदगढ़ की, चंडीगढ़ की, पंचकुला और अन्य चंडीगढ़ के सराउंडिंग जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली
19 शहरों के अंदर हम लोग 20 शहरों के अंदर लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्यवान दिन है हमारे लिए कि भगवान जगन्नाथ अपने रथ पे विराजमान होकर, पवित्र रथ पे विराजमान होकर हमारे राजपुरा शहर में पहली बार आ रहे हैं और भक्तों पे और हम सबके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे। तो आप सबका स्वागत है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दिन है, ये बेसिकली इस महाउत्सव के बारे में बताने के लिए है कि कैसे कैसे हम लोग रथ यात्रा को सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे पूरे राजपुरा के नहीं अपितु देश विदेश से भक्त आ रहे हैं, हमारे सन्यासी इस्कॉन के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है, इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए। यहाँ हम शहर निवासियों को बता दें कि ये जो रथ यात्रा का आयोजन हमारे शहर में किया जा रहा है वो पहली बार किया जा रहा है। तो हम न्यूज़ 89 परिवार की ओर से भी शहर निवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस रथ यात्रा में हिस्सा लें, क्योंकि माना जाता है कि जिसने भी श्री भगवान जगन्नाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचा है उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें सुख व धन की प्राप्ति होना यकीनी है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।